हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू चैनल। और हाँ, पता है मेरे को कि हर बार वर्कआउट के बाद वीडियो इंट्रो शूट करता हूँ, बट अच्छा लगता है यार। बॉडी अच्छी, मतलब शोल्डर्स ग्रो कर रहे हैं हम लोग तो। हाँ, आज का लेग वर्कआउट बहुत सही गया है। मतलब नेक्स्ट टाइम वाली गलती लाइक सिंगल लेग लेग प्रेस वाली वो नहीं की है, और प्रॉपर फॉर्म के साथ सब कुछ किया है, और हमारा जो फॉर्म बिगड़ा हुआ था वो भी सीखा सुधारा है। तो हाँ, आगे वो देखना। ओके, तो नेक्स्ट टाइम 65 केजी के साथ वी गॉट 12 12 12, तो ग्रेजुएट करेंगे 70 केजी। बट मेरा बैक में ना पता नहीं करते गए बहुत, मतलब पेन होता है। तो We got 11. Okay, तो मुझे हैमस्ट्रिंग करने के टाइम पे बैक में पेन आता था, तो मैंने ट्रेनर से पूछा और उन्होंने मेरे हैमस्ट्रिंग करने का, मतलब मेरा फॉर्म बहुत ख़राब था। उन्होंने बोला कि मैं जो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करने के टाइम पे थाइस मेरी ऊपर आ रही है, तो आपसे फॉर्म पे ध्यान देना पड़ेगा आई थिंक सो, क्योंकि फॉर्म बहुत ख़राब है अपना। तो मैंने वेट रिड्यूस कर दिया है, 50 केजी कर दिया है, एंड वी गो विथ प्रॉपर फॉर्म। ओके, क्योंकि बिना फॉर्म के करूँ तो कोई फायदा नहीं है। Let's go. सर आज 90 केजी डाला है। हाँ, कितने पॉज स्क्वाट पे आता है, स्लो एक्सेंट्रिक फास्ट डिसेंट्रिक। ओके, पूरा साइड के महाबैन कर दी। स्विफ्ट मशीन स्क्वाट्स के भी सेकंड सेट में 10 रेप्स मिले। लेग प्रेस नेक्स्ट टाइम 5 5 केजी डालते, 7.5 7.5। धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा सिंगल लेग, इसलिए नेक्स्ट टाइम जैसा नहीं करना। ओके, लेट्स गो। Thank you.
जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना, 81 kg नेक्स्ट टाइम पेरेड में आ जाए, और इस बार पीक कॉन्फ्रेंस से साथ ट्राई करेंगे। तो देखो That's it. आज का वर्कआउट सॉलिड 10 out of 10 भाई, मज़ा आ गया। वो सिंगल लेग स्क्वाट भी अच्छा, लेग प्रेस अच्छा गया। फर्स्ट टाइम किया था ना तो बहुत गंदा गया था। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया पूरा सा, नहीं वो भाई सब फर्स्ट टाइम ना 70 kg डाल दिया। मेरे को पता नहीं था सिंगल लेग पर 70 kg डालूंगा तो जीजी हो जाएगा। तो स्लो तो आ गया, इंसेंट्रिक स्लो आ गया, पुश किया।